तो ये है साइकिल और ये आ चुका है साइकिल का मड गार्ड। तो फिलहाल ये अमेजोन से मैंने खरीदा है, लेकिन इसका अमेजोन का जो पैकेजिंग है ऑलरेडी खुला हुआ है, क्योंकि मैंने पैकेजिंग खोल के फेंक दिया है। उसके बाद मुझे याद आया कि वीडियो बनाना है, तो अभी अनबॉक्सिंग यहीं से होगा और इसमें आज फिट करके आपको दिखाएंगे कि ओवरऑल लुक्स कैसा लगता है, आपको ये अभी खोल के दिखाएंगे। तो फिलहाल मैंने इसका अनबॉक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं ये फ्रंट मड गार्ड है, ये है बैक, और ये बैक को अटैच करने वाला उसका हुक और ये स्क्रू। यहाँ पर दो हैंडल का आपका जो बोलता है क्या ग्रिप दिया हुआ है, मेरा ऑलरेडी एक अच्छा सा ग्रिप बाई डिफॉल्ट साइकिल के साथ आता है, तो अगर ये वाला चेंज करके मुझको एक थोड़ा अलग कलर का लगाना था, इसलिए मैंने इसको परचेज किया है। आप ऑल्टरनेटिवली इसको चेंज करके भी यूज़ कर सकते हैं, ऑलरेडी साइकिल के साथ जो आता है वो अच्छा है, आपको इसका खरीदने का ज़रूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही लिया है ताकि थोड़ा सा ग्रिप और बेटर हो सके। और ये दो अभी आपको फिट करके दिखाएंगे कि कैसे फिट होता है। तो फ्रंट व्हील का जो मडगार्ड है, इसका ये वाला नॉब आप देख रहे हैं, इसको इसके साथ अटैच करके स्क्रू से लगा देना है और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एकदम इजी है। मैंने ऑलरेडी इसको इसके अंदर डाल दिया है, अभी इसको जस्ट फिट करके अच्छे से टाइट कर देना है, इससे ही ये मडगार्ड इससे अटैच हो जाएगा। और ये वाला जो गोल हिस्सा है, ये वाला लगेगा साइकिल की इस वाले पाइप के साथ, और इसका जो पीछे ये दो स्क्रू आप देख रहे हैं, ये वाला जो दो स्क्रू है ये लगेगा आपके इस मडगार्ड के साथ, जहाँ पर ये जो दो होल है इसके साथ असेंबल हो जाएगा इसके अंदर घुस के, और ये वाला नॉब लग जाएगा साइकिल का पाइप के साथ, तो ये पीछे ऐसे उठ के रहेगा। अब फिलहाल इसको हम लगा के आपको दिखाएंगे। फिलहाल मैंने इसमें ये वाला जो हैंडल ब्लॉक है उन्होंने लगा दिया है, इस हैंडल में अभी नहीं लगाया, आप देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, इसको सिर्फ खींच के निकाल के घुसा लेना है, इसमें कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है, थोड़ा सा तेल यूज़ करेंगे तो अच्छा होगा। अभी मैंने एक लगाया है, दूसरा भी लगाऊंगा, और ये जो मडगार्ड आपको दिखा है यहाँ पर, पीछे वाला मडगार्ड मैं अभी थोड़े देर बाद लगाऊंगा दुकान में जाके, क्योंकि फ्री में जो आता है साइकिल के साथ ये दोनों आता है, ये इनफ नहीं है, ये जस्ट दे देता है, लेकिन एक्चुअली इससे ज़्यादा आपका मतलब अच्छा इक्विपमेंट का ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो मडगार्ड था वो अभी लग चुका है, आपको दूसरी साइड भी दिखाता हूँ। मैंने ऑनलाइन से ही वाला ऑर्डर किया था, अच्छे से फिटिंग हुआ है। इसका बैक मडगार्ड यहाँ से फ्लेक्सिबल है, इसको आप अप डाउन करके भी लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो फ्रंट मडगार्ड है, इसके बारे में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये वाला हिस्सा जो रॉड है जिसके साथ ये अटैच्ड हुआ है, इसका हाइट जैसा है उस हिसाब से ये चक्के में एकदम सामने आ जाता है, इसको आपको देख के लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये टायर में घिसेगा। मेरा ऑलरेडी जैसे अटैच हो गया है, इसमें टायर में घिस नहीं रहा है, लेकिन काफ़ी हद तक चांस बढ़ जाता है कि ये टायर में लग जाए, तो ये आपको थोड़ा देख के करना पड़ेगा। फिलहाल मैं यहाँ पर बोतल नहीं डाला है, और यहाँ पर एक और चीज़ है जो हैंडल का ग्रिप है, ये भी मैंने चेंज कर दिया है, इससे अच्छा ग्रिप मिलता है। ये रबर का है और ऊपर के ये रबर का है और ऊपर उसके साथ इसका जो एक्सटेंडर है, इसमें आपको पाम रेस्ट करने में थोड़ा सा सुविधा होता है। तो फिलहाल ऐसा ही था मेरा मडगार्ड।